नमस्ते भाई लोग, आज बात करेंगे अपने ही कार्यस्थल में क्या क्या उनसे काम नहीं करना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या उनसे काम है जो हम लोग कार्यस्थल में नहीं करना है। पहला जो पॉइंट है, 18 साल के कम या 60 साल से ज़्यादा उम्र की व्यक्ति को हम साइड में काम कराना नहीं चाहिए। यानी कि जो 18 साल में कम है और जो 60 साल से ज़्यादा है, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं और जो बच्चे होते हैं, 18 साल उम्र कम होता है, उनको काम में नहीं लगाना चाहिए। अपना ही आधार कार्ड का जो डेट होता है, जन्म तारीख होता है, उसको आगे पीछे करके अपना उम्र बढ़ा के कोई उम्र घटा के आ जाते हैं काम कराने के लिए। कार्यस्थल से आने से पहले ये हम लोग का पहला गलती होता है। दूसरा जो है, साइड में कभी भी कोई नशा कार्य करके नहीं आना चाहिए, जैसे कि ड्रिंक करना और कोई नशाधारी टैबलेट कुछ भी खा के साइड में नहीं आना चाहिए। जो भी व्यक्ति नशा करके साइड में आता है, वो दुर्घटना के साथ में शिकार होता है। अपने ही कार्यस्थल में कोई भी मशीन की पावर टूल्स यूज हो रहा है जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है, तो उसके साथ में कोई भी हाथ ना लगाए। मान लीजिए कोई भी मशीन की पावर टूल्स काम नहीं कर रहा है, तो सुपरवाइजर की कोई इंजीनियर कंसल्ट करके बात करना है। वो लोग कोई मैकेनिकल पर्सन को बुला के वो मशीन को रिपेयरिंग करेंगे। आप लोग वो मशीन में कोई हाथ नहीं मारना है। उसमें क्या है, बड़ी दुर्घटना घट सकता है, क्योंकि आप लोग को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। जो जिसको जानकारी है, वो ही लोग आके उसको रिपेयरिंग करेंगे। ठीक करने के बाद वो क्या होगा, आप लोग उसमें काम कर सकते हैं। इसलिए कोई मशीन ख़राब होता है तो आप उसमें हाथ नहीं लगाना है। आज का दुनिया मोबाइल का दुनिया हो गया है। आपको पता है, आज का डेट में बहुत ही एक्सीडेंट जो होता है मोबाइल से ही होता है। क्योंकि जब भी हम लोग हाइट में काम करते हैं, कोई ब्लूटूथ ईयरफोन लगा के बात भी कर रहा है और काम भी करता है, उसी दौरान में हम लोग ध्यान जो है वो उस तरफ में चला जाता है। वो पर्सन क्या बोल रहा है फ़ोन में, हम उसको सुन रहे हैं और काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई पर हम रोड पार कर रहे हैं, रास्ता पार कर रहे हैं, तो करने टाइम में क्या हम लोग फ़ोन बात कर रहे हैं, ही रास्ता पार करते हैं। उसी दौरान में रोड एक्सीडेंट भी होता है। साइड में हम बात करते रहते हैं, उसी दौरान में भी एक्सीडेंट होता है। इसीलिए साइड में कभी भी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। मान लीजिए आप लोग को यूज़ करना है, बात करना है, कुछ इमरजेंसी आ गया है, तो वो यहाँ पे हाइट में काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो उतर के नीचे में आइए कि कहीं पे असेंबली पॉइंट या कोई कैंटीन हो गया कि कोई अच्छा सेफ जगह एरिया होगा, वहाँ पे खड़ा होके कि कोई बैठ के आराम से 5-10 मिनट जो भी बात करना है बात करिए, उसके बाद जॉब में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अनसेफ जगह में फ़ोन में बात मत करिए कि कोई छुपा के, ब्लूटूथ को छुपा के, कोई शर्ट के अंदर में हेडफोन में छुपा के बात करता है, ऐसा गलती मत करना है। हमारे कार्यस्थल में बहुत प्रकार का वाहन चलता रहता है, जैसे कि हाईवे हो गया, जेसीबी हो गया, टेलर हो गया, मिलर हो गया, बहुत प्रकार का गाड़ी चलता रहता है वाहन। हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी सोने के लिए वो उसके नीचे में हम लोग क्या जाके छुपके से सो जाते हैं, कहीं पे छाव मिलेगा आराम से सो सकें, कोई देखेगा ही नहीं, छुपा के सोते हैं, छाव भी मिलता है, बात भी कर लेते हैं, बहुत प्रकार का आराम वहीं पे मिलता है। कोई गाड़ी के नीचे में जाके हम छुपके सो जाते हैं, ये गलती नहीं करना है। मान लीजिए कोई ड्राइवर को पता नहीं होगा कि मेरे गाड़ी के नीचे में कोई सोया है और उसको तुरंत कहीं पे जाना है कि कोई फ़ोन आ गया है के गाड़ी लेके आओ, तो क्या वो क्या करेगा, तुरंत गाड़ी को चालू कर देगा, आगे ले सकता भी है, पीछे भी ले सकता है। उस दौरान में कोई भी बंदा सोया होगा, उसमें क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए कोई भी वाहन के नीचे में नहीं सोना है कि कोई मटेरियल हो गया कि कोई क्रेन हो गया, कहीं पे भी कार्यस्थल के नीचे में कोई नहीं सोना है। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरे का काम नहीं करना चाहिए। यानी कि जो ओल्डर पर्सन है वो ही ओल्डिंग करेगा, ऐसे नहीं कोई मेसन हो गया कि राजमिस्त्री हो गया वो आके ओल्डिंग करेगा। उसमें क्या होगा, उसको पता नहीं होगा कितना ओल्डिंग रड जो है गर्म कितना करना है, कौन सा पोजीशन मारना है, कौन सा मशीन ओल्डिंग मशीन के बारे में पता नहीं होगा, कितना करंट चाहिए, उसमें क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा और जो मटेरियल है वही मटेरियल बर्बादी होगा, जो लॉस होगा और कुछ एक्सीडेंट होने का भी चांस होता है। इसीलिए जो गेट पास में जो डेजिग्नेशन में आए काम करने के लिए, वही डेजिग्नेशन हिसाब से काम करना है, दूसरा कोई किसी का काम नहीं करना है। जहाँ पे हम लोग काम करते हैं
मिलजुल के काम करना चाहिए, ये हम लोग बोलते हैं, आप लोगों को सबको पता है। मगर कहीं कहीं पे एक पर्सन जाके काम करता है, मान लीजिए वो एक एरिया में कोई नहीं है, एक ही आदमी है, वो वेल्डिंग करता रहता है कि कोई ड्रिल करता है कि कोई मिट्टी खुदाई करता है, तो वहाँ पे एक पर्सन रहता है, वहाँ पे एक पर्सन काम नहीं करना चाहिए, दो आदमी नहीं तो तीन आदमी रहना है। मान लीजिए एक पर्सन आदमी काम कर रहा है, उसको कुछ भी हो जाएगा तो उसको कौन बताएगा? मान लीजिए उसको करंट भी लग सकता है, कुछ तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो कौन आके बोलेगा? कोई नहीं बोल पाएगा ना, इसीलिए वहाँ पे कोई भी काम करना है, दो या तीन बंदा काम करना है, कुछ भी हो जाएगा जो कोई भी पर्सन को वो सुपरवाइजर इंजीनियर को आके इंफॉर्मेशन कर सके। जब हम लोग हाइट में काम करते हैं, उस दौरान में कोई मटेरियल, कोई टूल्स हो गया, कोई चीज़ को भी ऊपर से नहीं फेंकना चाहिए, उसमें क्या होगा, नीचे में भी कोई पर्सन होगा, उसको भी चोट लग सकता है, इसीलिए कोई भी चीज़ को, कोई टूल्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, नीचे फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं, कोई लिफ्टिंग करते हैं कि हॉटवर्क करते हैं कि कहीं पे हम लोग खुदाई करते हैं, उस दौरान में क्या है, चारों तरफ हम लोग बैरिकेशन करते हैं, कोई हार्ड बैरिकेशन करते हैं नहीं तो सॉफ्ट बैरिकेशन करते हैं, वो बैरिकेशन के अंदर में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी काम जो चल रहा है उस दौरान में कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए कोई भी बैरिकेशन के अंदर में नहीं जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी हम लोग पीपी यूज़ करते हैं, जो जनरली है हम लोग सेफ्टी शू, जैकेट और हेलमेट, ये तीनों चीज चाहिए। उसके साथ में जो पीपी हम लोग काम करेंगे, हॉट वर्क हो गया, कोल्ड वर्क हो गया, जो भी काम करेंगे, हाइट में हो गया काम करना है, जो पीपी है हमको यूज़ करके काम करना है, बिना पीपी का काम नहीं करना है। चाहे जो भी बोले, कोई सुपरवाइजर बोले, इंजीनियर बोले, नहीं काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी पर्सन नहीं है, हाँ कोई नहीं देखेगा, ऐसा नहीं, हमको पीपी दीजिए, हम काम करेंगे, चाहे जो भी कोई बोले, नहीं तो काम नहीं करना है। क्योंकि बिना पीपी का कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी एक्सीडेंट हो सका है, इसीलिए बिना पीपी का काम नहीं करना है। आज हम लोग जाने के अपना ही कार्यस्थल में क्या क्या गलती नहीं करना है, आज उसके बारे में हम लोग जानें।